हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज की कक्षा में। हम प्रभुपाद जी के पुस्तकों को अध्ययन करते हुए कई सारे लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं। अभी हम फिलहाल में कुंती महारानी की शिक्षाएं इस पुस्तक का अध्ययन करके अपने जीवन में उनसे क्या शिक्षा लेना चाहिए उसका अध्ययन कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने कई सारे पुस्तक लिखे और शास्त्र के मर्म को उसमें हम जैसे पति जीवात्माओं के लिए आसान भाषा में समझा दिए, उसको आसान भाषा में हमारे लिए प्रस्तुत कर दिए कि कैसे हम उसको अपने जीवन में अपना सकते हैं, ले सकते हैं। तो हम दूसरे श्लोक पे चर्चा कर रहे हैं। कुंती महारानी का दूसरा श्लोक जो है प्रार्थनाओं में, श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 8वें अध्याय का 19वां श्लोक है ये। मया जवानी कच्छनम आज्ञा अधोक्षजम अव्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दिशा नटो नाट्य धारो यथा। तो स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा प्रार्थनाएं कर लेते हैं, गुरु वंदना कर लेते हैं। ओम अज्ञानति मिरंदस्य ज्ञानांजन शलाक चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे अभी के पिछले के सत्र में हम कुछ 4-5 चीज़ों को देख चुके हैं इस श्लोक के रिलेशन में, कि हमने देखे कि भगवान को हम क्यों नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि भगवान अपने आप को एक माया के कवरिंग में ढक के रखे रहते हैं। तो भगवान ने हम जीवात्माओं को माया के कवरिंग में ढक के रखे रहते हैं। इसके कारण क्यों कि हम माया के कवरिंग में ढके हुए हैं, इसलिए भगवान की दिव्य लीलाओं को हम कभी भी समझ नहीं सकते हैं और हम उसको आगे उसके ग्रास्प भी नहीं कर पाएंगे। हमारे ऊपर वो कवरिंग है। माया जावानी कच्छनम अज्ञा अधोक्षजम अव्ययम। जो अधोक्षज है, उन अधोक्षज को, जो अधोक्षज मतलब जो हमारी इंद्रियों से परे है, ऐसे इंद्रियों से परे देवता को जो कि कृष्ण है, उसको हम अज्ञानी लोग हम कभी समझ ही नहीं पाएंगे। क्योंकि हम जो है हम भगवान के नियमों को कभी भी पालन नहीं करते हैं। जो असुरगण उनको कहे, जो पालन नहीं करते हैं भगवान के नियमों को, उनको क्या कहा जाता है? असुर कहा जाता है। जो असुर ऐसे भगवान के नियमों को पालन नहीं करते हैं, भगवान की कृपा उन पर कभी भी नहीं आती। भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा? भगवान के नियमों को पालन करना होगा। भगवान के ने जो शिक्षाएं दी हैं भगवद गीता में, उन शिक्षाओं को पालन करना होगा, निभाना होगा। वही अगर हम यहाँ पे कुंती महारानी बता रही है कि अगर हम उन शिक्षाओं को पालन करेंगे तो हम भगवान के दिव्य लीलाओं का दर्शन कर सकते हैं और उनका आस्वादन कर सकते हैं। भगवान कोई तपस्या से नहीं बने हैं, भगवान हमेशा से भगवान ही रहे। कोई जीवात्मा कभी भगवान नहीं बन सकता। भगवान ने यहाँ पे आने के बाद ऐसी दिव्य लीलाएं करी है, जैसे उन्होंने बचपन में पूतना नामक राक्षसनी को मारे, शकटासुर, तृणावत एवं कई सारे राक्षसों को वध किए। 7 साल की उम्र में छोटे से उंगली पे गोवर्धन जैसे बड़ा पर्वत उठा लिए। तो ये सभी दिव्य लीलाएँ को देखते हुए और कई सारे वेद शास्त्र भी यह निर्णय करते हैं कि कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान हैं। सिर्फ वेद शास्त्र नहीं, कई सारे जो बड़े बड़े साधु संत आए हैं, जैसे यहाँ पे नाम वर्णन आता है, ही इज एक्सेप्टेड एज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड बाय सच अथॉरिटेटिव पर्सनालिटीज। कौन कौन भगवान को यहाँ पे सुप्रीम परम पुरुषोत्तम भगवान एक्सेप्ट कर रहे हैं? व्यासदेव, देवल, अशित, नारद, माधव, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, श्री चैतन्य महाप्रभु, जीव गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और इस तरह से अन्य कई सारे आचार्यों ने उनको स्वीकारे हैं। जब ये महान महान आचार्य कृष्ण को परम पुरुषोत्तम भगवान स्वीकार कर रहे हैं तो हमारी क्या लिमिट है कि हम भगवान को नहीं स्वीकारें? जैसे साइंस में वर्णन आता है कि न्यूटन को एक लॉ बना देता है, हालांकि वो आप फिजिकली आप अपने लेबोरेटरी में ट्राई करें, जैसे वी इज इक्वल टू आई आर, एक करंट का लॉ है, ओम्स लॉ, तो करंट जो है अपने वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ऐसे ओम ने बोला है ना। आप उसको प्रैक्टिकली करके देख लीजिए, कितने बार भी करेंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कभी नहीं आएगा, क्योंकि उसमें कई सारे एरर्स होते हैं, ह्यूमनली एरर्स होते हैं। तो ये सब जो लॉ बताए गए हैं ह्यूमनली एरर्स के परे हैं। इसी तरह से जैसे भौतिक जगत में, साइंस में यह हो सकता है, उसी तरह आध्यात्मिक जगत में आचार्यगण
हम जैसे ह्यूमनली एरर से परे होते हैं, वो अपौरुषीय ज्ञान को प्रदान कर रहे हैं। हम हमेशा चार गुण डिफेक्ट्स हमारे अंदर होते हैं, हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, हम हमेशा चीटिंग करते रहते हैं, तीसरा हम हमेशा जो है भ्रमित रहते हैं, इल्यूजन में रहते हैं। तो इस तरह से चार जो है यहाँ पे बताया गया है डिफेक्ट्स है मनुष्यों में, उसके कारण हम भगवान की दिव्यता को समझ नहीं पाते। पर आचार्यगण जिन्होंने इनकी दिव्यता को समझे हैं वो शास्त्र में हमारे लिए प्रस्तुत करके गए हैं, इसलिए हमें भगवान की दिव्यता को समझना चाहिए, जानना चाहिए और बिना डाउट किए उसको भरोसा करना चाहिए, उस पर पूर्ण भरोसा रखना चाहिए। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि कैसे जो कृष्ण है वह स्वयं भी भगवद गीता में कई बार कई सारे श्लोकों में वह उद्धरण दे रहे हैं कि मैं ही परम पुरुषोत्तम भगवान हूँ और कोई नहीं है, सभी देवता बाकी सब जो है मेरे अंदर है, मेरे से निकले हैं, मेरे से उनका उद्गम हुआ है, मैं उन सभी का सोर्स हूँ, अहम आदिर ही देवानाम, सभी देवताओं में जो आदि पुरुष है वह है गोविंद, वह है कृष्ण, वह है माधव। तो यहाँ पे बता रहा है येट देर इज अ क्लास ऑफ मैन विथ डेमोनाइक मेंटेलिटी हु आर ऑलवेज रिलक्टेंट टू एक्सेप्ट द लॉर्ड एज सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रुथ। दिस इज पार्शली ड्यू टू देयर पुअर फंड ऑफ नॉलेज एंड पार्शली ड्यू टू देयर स्टबर्न ऑब्स्टिनेसी। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि इतना सारा सबूत होने के बावजूद भी कुछ लोग ऐसे घमंडी होते हैं, उनका मूर्ख दिमाग होता है कि वह भगवान की दिव्यता को समझ ही नहीं पाते हैं और जान ही नहीं पाते हैं। जिस प्रकार दुर्योधन के सामने कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखा दिए फिर भी दुर्योधन विश्वास ही नहीं कर पाया, वह बोलता रह गया कि क्या है, कृष्ण कुछ जादू टोना कर रहे हैं, जादू दिखा रहे हैं। पर कृष्ण जादू नहीं दिखा रहे थे, अपना असली रूप दिखा रहे थे। इसी प्रकार हम भी अपनी मूर्खतावश क्या कर बैठते हैं, भगवान के दिव्य रूप को भगवान के दिव्य लीलाओं का श्रवण करने के बावजूद भी भगवान की लीलाओं पे भरोसा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम क्या है, जिद्दी हैं, हम इस भौतिक जगत के प्रलोभन में फंसे हुए हैं, बंधन में फंसे हुए हैं। इससे बाहर निकलने का एकमात्र जो उपाय बताया गया है हरि नाम के बल पर, हरि नाम के श्रवण जप करने के माध्यम से ही हम इससे निकल पाएंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत सुंदर रूप से यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि दो कारण बता रहे हैं, पार्शली ड्यू टू द पुअर फंड ऑफ नॉलेज, जानकारी की कमी के कारण, ज्ञान की कमी के कारण वह कृष्ण की दिव्यता को नहीं समझ पा रहे, और ज्ञान किससे लेना चाहिए वह भी है महत्वपूर्ण है। और दूसरा यहाँ पे जो जानकारी बता रहा है, स्टबर्न ऑब्स्टिनेसी, जिद्दीपना, अपने मूर्खों जैसे विचारों पे जिद्द रूप से अड़े रहने के कारण कृष्ण की दिव्यता को समझ नहीं पाते। तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि दे ये लोग कृष्ण की दिव्यता को नहीं समझने के कारण अपने मूर्खतावश इतना ज़्यादा इसके और फंसे रहते हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं सच पर्सन्स कुड नॉट रिकॉग्नाइज लॉर्ड श्री कृष्ण इवन व्हेन ही वाज प्रेजेंट बिफोर देम। Another difficulty is that those who depend more on their imperfect senses cannot realize him as the supreme lord. जो अपने अपूर्ण इंद्रियों पे जो पूरा भरोसा रखते हैं वह अपने वह कृष्ण की दिव्यता को नहीं समझ पाएंगे, कृष्ण के अभूतपूर्व लीलाओं को नहीं देख पाएंगे, समझ पाएंगे। जैसे साइंटिस्ट का एग्जांपल दे रहे हैं, कई सारे लॉज, कई सारे नियम, कई सारे साइंटिस्ट बनाते हैं, वो सारे अपूर्ण इंद्रियों के कारण बनाते हैं, जिसमें बहुत सारे इम्परफेक्टनेस होती है, बहुत सारी कमियां होती हैं, जिसके कारण वह अपने मन से तो लॉ बना दिए, नियम बना दिए, पर उसमें जो कमियां हैं अपने ईगो के कारण उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं, इसलिए वह कृष्ण की दिव्यता को कभी समझ नहीं पाएंगे। वही हमें यहाँ पर जानना है और भगवान से प्रार्थना करनी है कि इस ईगो को हटाए, माया के कवर को हटाए और हम भगवान के दिव्य लीला को देख पाए। नम्र भाव से भगवान के सामने अप्रोच करेंगे जैसे कुंती महारानी कर रही है, तभी हम भगवान की इस दिव्य लीलाओं को समझ पाएंगे, जान पाएंगे।
तो इसी के साथ आज का सत्र समाप्त करते हैं। आज हमने दो पॉइंट के ऊपर चर्चा की है कि कैसे जो जो कम बुद्धि वाले होते हैं और जिद्दी लोग होते हैं वह कभी भगवान को नहीं समझ पाएंगे। भगवान की दिव्यता को समझने के लिए हमें भगवान की कृपा कटाक्ष प्राप्त करना होगा। जिस प्रकार बड़े सभी आचार्यों ने स्वीकार किए हैं, हमें भी उसी तरह स्वीकार करना होगा। तो अधोक्षज भगवान को समझने के लिए, भगवान की दिव्य लीलाओं को समझने के लिए, जो अधोक्षज जो इंद्रियों से परे हैं ऐसे भगवान को समझने के लिए हमें क्या करना होगा, कृष्ण के शरण में जाना होगा। जो आचार्यगण है, रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, श्री चैतन्य महाप्रभु, भक्ति सिद्धांत ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, इन्होंने जैसे भगवान को देखे हैं वैसा ही हमें देखने का प्रयास करना होगा। हरे कृष्ण।